अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ चौरस बाजू किस तरह लगाना है और उसका उसकी कटिंग वगैरह तो होती कोई नहीं, वो सीधी सीधी से जो बाजू जितना अपने रखना हो आगे उतना सा पीछे भी रख सकती है। अगर पीछे से आगे से बहुत ज्यादा बड़ा अपने रखना है तो पीछे कम रख ली, जितना बाजू आपको चाहिए उतना रख लें। अब ये चौरस बाजू है, चौरस बाजू हम जो पहले बाजू लगाते हैं गोल, वो पहले इधर सिलाई लगाते हैं तो फिर फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो इसकी बाद में सिलाई लगाते हैं। और ये चौरस बाजू होता है इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, पहले इसको ऐसे खोल लेते हैं। खोल के तो मैं इसकी लगाऊंगी इधर से, ये मेरे पास रिबन है फ्रिल फ्रिल वाला, तो ये फ्रिल मैं लगाऊंगी पहले आगे इसके, इसके आगे लगा के तो फिर मैं पीछे से इसका बाजू लगाऊंगी। और ये मैंने फ्रिल लगानी है इसके आगे, इसके लगाने के बाद अब ये मैं कमीज के साथ लगाऊंगी। ये बाजू कोई बहुत मुश्किल नहीं है लगाना, ये बहुत आसान है, लेकिन इसका ये फर्क है कि ये सीधा सीधा लगता है, इसको हमने इधर से कटिंग नहीं की होती तो गुलाई नहीं की होती। अब हम ले लेते हैं कमीज वाला हिस्सा, और कमीज का भी हमने इधर से चौरस ही कटिंग की हुई है, तो इसको हमने किस तरह लगाना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह लगा सकती हैं। ये आपने कमीज को ऐसे सीधा रखा और बाजू को आपने ऐसा उल्टा रख लेना है, और इधर दरमियान में आपने कट लगा लेना जिधर से आपका बाजू दरमियान में आता है, उधर में ऐसे लगा के तो आप इसको इस तरह रखें, इस तरह रख के तो आप इधर से सिलाई शुरू कर लें। इधर से सिलाई शुरू करके इधर में आप एंड पे लगाएंगे, लेकिन इधर आप जब आएंगे तो इसके साथ ही लगा लेंगे। तो इधर से सिलाई शुरू कर लेते हैं, इधर तक एक पैर का इधर से कपड़ा छोड़ के और इधर से भी अपने पैर उठा के इसी कमीज को बाजू के इस तरह बाजू का कपड़ा पकड़ते हुए आपने हल्का हल्का इसे मोड़ लेना है। एकदम मोड़ेंगी तो इसमें बल पड़ जाएगा, हल्का हल्का आपने मोड़ लेना है। तो अब इस पे सिलाई लगा के इधर तक आपने ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि इधर सिलाई हम बाद में लगाएंगे, हमने पहले इधर से जोड़ना है। उसके जोड़ने के लिए हमने इसको ऐसे पकड़ा और हल्का से ऐसे मोड़ते हुए हम बाजू को इस तरह सिलाई लगा लेंगे। हमने जिधर से शुरू की थी तो सिलाई उधर से ही हमने ये सिलाई शुरू करेंगे, और ये वाला इतना हिस्सा जो है वो उसका हमने इधर तक सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि जो जो एंड पे सारा सिलाई है वो हमने बाद में लगा लेंगे। तो इसके बाद हमने इधर तक इसलिए लगाई है, तो एक तो ये बाजू एंड पे जुड़ेगा, इसकी साथ ही फिटिंग की सिलाई लगेगी। दूसरा हमने इधर ये जो चीज है इस पे हमने ये वाली लैस लगानी है। इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करते हुए हमने इधर नहीं मोड़ लेना, हमने थोड़ा सा इसको कीड़े के अंदर लेके आना है। फिर हमने सिलाई नहीं इसको फिर लगानी, हमने इसको थोड़ा आगे लेके आना है, तकरीबन डेढ़ इंच तक हम आगे ले आएंगे, और डेढ़ इंच इसकी इधर तक बनती है। अब इसको हमने ऐसे, अब हमने इस तरह मोड़ के इसको पीछे हम लेके जाएंगे ताकि इसका अच्छे से कॉर्नर बन जाए, और कॉर्नर बना के फिर हमने इसको ऐसे सीधा लेके इधर तक, जब तक जिधर तक कंधा है ये सिलाई है तीरे की, उधर हमने इधर ये पैदा कर लेनी है, और हमने इसको ऐसे सिलाई लेके आना। ये देखिए अब लग गई है, ये लगा के अब मैंने साइड सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के तो ये बाजू इस तरह दिखेगा, ये साइड सिलाई लगा के तो मेरा बाजू कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।